जिमनी इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात, नारोवाल में नून लीग और पीटीआई कारकुनों में झगड़ा। लीगी कारकुन जौंभा पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन ने झगड़े के दौरान सर में डंडा मार दिया था। शदीद जख्मी मोहम्मद यूसुफ अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। झगड़े के बाद पीपी 54 पोलिंग स्टेशन कोट नाजो में वोटिंग का अमल रोक दिया गया। पीपी 139 शेखुपुरा के निजामपुरा पोलिंग स्टेशन में झगड़ा। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों के दरमियान फायरिंग का तबादला, तीन अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में पीपी 149 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों में झगड़ा। आईपीपी का एक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तीन कारकुन जेरे हिरासत है। पीटीआई के लोगों ने हमारे निहत्ते कारकुन को कत्ल किया है, ये अपनी शिकस्त को देखकर ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गुफ्तगू, कारकुन की हलाकत पर इजहार अफसोस, कहा कि कातिल कानून से नहीं बचेंगे। जिनके आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है उन्हें भी गिरफ्त में लाएंगे। वजीर इत्तला पंजाब अजमा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के गुंडों ने हज़्ब रिवायत अपनी गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है। शिकस्त के खौफ से ये बाफले हो गए हैं, इनको धानने के लिए सहूलतकारी मैसर नहीं, इसलिए गुंडागर्दी और कत्लो गारत गरी पर उतर आए हैं। पंजाब पुलिस फौरी मोहम्मद यूसुफ के कातिलों को गिरफ्तार करे। मुल्क भर में जमीन इंतखाबात वोटिंग का अमल जारी, वोटर्स पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई की 16 नशस्तों पर वोटिंग, शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी रहेगी। पंजाब और बलूचिस्तान के इंतखाबी अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुतासर। पीटीए के अलामिया के मुताबिक फैसला इंतखाबी अमल को बिला तातुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात, अफवाज पाकिस्तान और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के अहलकार इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात। इलेक्शन कमीशन के जाब्ते इखलाक में कहा गया है कि अहलकार इंतखाबी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली के 3 हलकों पर वोटिंग, पीबी खुजदार 3, पीबी 22 लसपेला में जिमनी इलेक्शन, पीबी 50 कला अब्दुल्ला में रीपोलिंग। लसपेला में पीपी उम्मीदवार हसन चामूट नून लीग के जरी मक्सी के हक में रिटायर, हसन जामूट के साहबजादे शाह नवाज हसन भी रिटायर हो गए। पीपी 3 में शफीक मेंगल और बीएनपी रहनुमा मीर जानजेब के दरमियान कांटे का मुकाबला। पीपी 50 में पीके मैप के मीर वायचांग खान अचकजई और एएनपी जमरिक अचकजई का वोट बैंक मजबूत। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का टर्न आउट कम है, लिविज और पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने वोटर टर्न आउट तसल्ली बख्श करार दे दिया, कहा कि नून लीग का वोटर बाहर निकल रहा है जो कि खुश आइंद बात है। नून लीग के तमाम उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होंगे। मेरा मिशन आपके और मेरे कायद मियां नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ाना है। नवाज शरीफ की क्यादत में अवामी मसाइल के हल के लिए पूरी ईमानदारी से कोशा है। चंद दिनों में पंजाब के अवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया जाएगा। रमजान निगहबान पैकेज, 20,000 बाइक, सस्ता आटा और सस्ती रोटी हमारे चंद दिनों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भुचर का धांधली का इल्जाम, कहते हैं मुनीर सलाही के हलके में धांधली की जा रही है। दो पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसरान ने हमें खुद बताया कि इनके पास फॉर्म 45 नहीं है। आखिर ये फॉर्म 45 किसके पास? इलेक्शन कमीशन फौरी नोटिस ले, लगता है हुकूमत ने धांधली का प्लान बना रखा है। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से 3 कस्टम एहलकार शहीद, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गहरे दुख का इजहार, लवाहिकीन से हमदर्दी और ताजियत। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसनैन, कस्टम कांस्टेबल जयात और मुलाजिम आमिर के लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। शहदा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम पुरअज़्म है, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को है। हुकूमत का पंजाब असेंबली का प्री बजट इजलास तलब करने का फैसला, वजारत कानून ने गवर्नर पंजाब को समरी भिजवा दी। 22 अप्रैल को इजलास बुलाने की सिफारिश कर दी।
असेंबली ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा बजट पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की तजावीज़ पर गौर होगा। अरकान अपने अपने हलकों से मुतालिक तजावीज़ देंगे। पंजाब असेंबली के प्री बजट की तैयारियाँ शुरू कर दी गई। पंजाब असेंबली के प्री बजट का गवर्नर पंजाब नोटिफिकेशन जारी करेंगे।